हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी के जो बेस्ट 300 क्वेश्चन है उनका सेट 4। ये जो वीडियो है इनमें एक्सप्लेनेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये रिवीजन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज बताता हूँ। फोर्थ वीक ऑफ जनवरी से मार्टर्स डे 30 जनवरी। मार्टर्स डे गांधी जी का शहीदी दिवस होता है, गांधी जी की डेथ हुई थी इस दिन, तो वो होता है मार्टर्स डे और इसलिए इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक 23 मार्च का दिन होता है क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी, तो 23 मार्च का दिन भी मार्टर्स डे होता है। फिर होलोकॉस्ट के जो विक्टिम्स हैं उनको हम कमेमोरेट करते हैं, उसके लिए जो इंटरनेशनल डे होता है वो होता है 27 जनवरी। होलोकॉस्ट था जब ज्यूज़ की डेथ हुई थी, बहुत सारे 10 लाख लगभग ज्यूज़ थे जिनको मार दिया गया था जर्मनी में हिटलर के द्वारा, उसको बोलते हैं होलोकॉस्ट। ये होता है 27 जनवरी। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे ये होता है 25 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी। तो दो दो इंपॉर्टेंट दिन होते हैं 25 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे और टूरिज्म डे। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है, पहली बार 2019 में किया था और इस बार 2020 में सिर्फ सेकेंड टाइम है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जा रहा है, 24 जनवरी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। फिर हम बात करते हैं ओबिचुअरीज, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। जमीला मलिक ये एक्ट्रेस थी, मलयालम, तमिल और तेलुगु सिनेमा में इनकी डेथ हो गई। डॉक्टर गोलोक चंद्र गोस्वामी ये असमीज लिंग्विस्ट थे, असमी भाषा में लिखते थे। फेमस आर्टिस्ट और स्कल्प्टर, वास्तुकार और कलाकार शेर सिंह कुक्कल, इनकी डेथ हो गई। कर्नाटका के पूर्व मंत्री थे एक जनता दल सेकुलर पार्टी के, अमरनाथ शेट्टी, इनकी डेथ हो गई। असमीज लैंग्वेज में एक और साहित्यकार थे, लिटरेटर, ऑथर शशि शर्मा, इनकी डेथ हो गई। सुनीता चंद्रा ये वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन थी, इनकी भी डेथ हो गई। फिल्म प्रोड्यूसर विनय सिन्हा, इन्होंने अंदाज अपना अपना मूवी बनाई थी, इनकी डेथ हो गई। और टेरी जॉन्स ये कॉमेडी करते थे, मॉन्टी पाइथन करके कंपनी है उसके फाउंडर भी थे, एक्टर डायरेक्टर थे टेरी जॉन्स। मनमोहन सूद इंडिया के बैट्समैन थे, क्रिकेटर, इनकी डेथ भी हो गई। सबसे पहली इंडियन एक्ट्रेस कौन बनी है जिन्होंने लुई विटों कैंपेन को एम्ब्रेस किया है, यानी लुई विटों की ऐड करिए, ये है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से क्रिस्टल अवार्ड मिला है अभी, क्योंकि मेंटल इलनेस को लेकर, मेंटल डिस्टर्बेंस को लेकर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और लुई विटों कंपनी के जो ओनर हैं वो हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट, ये फ्रांस की कंपनी है लुई विटों, बर्नार्ड आर्नोल्ट। कौन सा कंट्री है जो नंबर वन कंट्री है पूरी दुनिया में ब्रेस्ट फीडिंग रेट में, यानी ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पे अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हैं, स्तनपान करती हैं उनका, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका रहा इसमें नंबर वन। इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक सर्वे कराया था, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस में जो नंबर वन स्टेट रहा वो रहे मणिपुर, मणिपुर। और भारत में जो ताजमहल है वो पहला मॉन्यूमेंट है जिस पे एक महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग रूम अलग से बनाया गया है, जहां पे वो अपने शिशुओं को दूध पिला सकती हैं। इनमें से कौन सा शहर है जो 27 जनवरी से 24/7 ओपन रहेगा, ये है मुंबई। ये डिसीजन लिया यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने, इनके फादर उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वर्ली। भारत का पहला वॉर मेमोरियल एनिमल्स के लिए कहाँ पे बना है, ये अभी अभी मेरठ में बना है, यूपी मेरठ। और नेशनल वॉर मेमोरियल है दिल्ली में, एनिमल्स के लिए बना है मेरठ में। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में इंडिया का क्या रैंक था, इंडिया का रैंक था 5th और नंबर वन कंट्री था इसमें अमेरिका। कौन सा स्टेट है जो भारत का मोस्ट वाटर एफिशिएंट स्टेट है, यानी पानी का इस्तेमाल सबसे अच्छा करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने डिक्लेयर किया, ये है गुजरात। तो गुजरात रहा इसमें नंबर वन, सबसे अच्छा वाटर इसका इस्तेमाल, वाटर एफिशिएंट स्टेट है गुजरात। कौन सा स्टेट है जिसने कंपलसरी किया है ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कि वो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डेली पढ़ेंगे, प्रेयर में मॉर्निंग जो प्रेयर होगी प्रार्थना सभा उसमें प्रीएम्बल पढ़ा जाएगा, तो ये किया है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र ने किया है अभी अभी। और एक बात और बता दूं आपको, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी कर दिया है, तो दो राज्यों ने कर दिया है, पहले किया था लेकिन महाराष्ट्र ने, फिर किया है मध्य प्रदेश ने। कौन सा स्टेट है जो अपना 70वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करेगा 24 जनवरी 2020, यानी उसने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया 24 जनवरी को,
24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। तो उत्तर प्रदेश को बने हुए 70 साल हो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बना था 1950 में, 24 जनवरी 1950 में। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सा कंट्री है जिसे इंडिया ने रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर करा है? यह कंट्री है यूएई। यूएई थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया का ट्रेड में, और यहाँ की कैपिटल आबू धाबी है, और आबू धाबी बुक फेयर में जो गेस्ट कंट्री था वो इंडिया था, और पेरिस बुक फेयर में भी इंडिया गेस्ट कंट्री था, और मैक्सिको बुक फेयर में भी इंडिया गेस्ट कंट्री था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंडिविजुअल कैटेगरी में किसे मिला है? इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है कुमार मुन्नन सिंह को, कुमार मुन्नन सिंह। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये मिला है डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को, डीएमएमसी उत्तराखंड। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां खुला है? भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक अभी अभी भोपाल में खुला है, भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में जो थीम कंट्री है वो कौन सा है? कोलकाता बुक फेयर में जो थीम कंट्री है वो है रशिया, रशिया। और आपको बता दूं कि जो कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें जो पार्टनर कंट्री था, थीम कंट्री, वो था जर्मनी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 80, और पहले नंबर पे डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों हैं। डेनमार्क और न्यूजीलैंड में सबसे कम करप्शन है पूरी दुनिया में, याद रखिए। और पाकिस्तान की रैंक पूछ सकते हैं, 120 है पाकिस्तान की रैंक। ये इंडेक्स दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, रिलीज हुआ था और प्रिपेयर किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। तो अगर पूछें ये इंडेक्स कौन देता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है। कौन सा एयरपोर्ट है जहां पे वुमेन विद व्हील्स कैब सर्विस स्टार्ट हुआ है, फीमेल सेफ्टी को बढ़ाने के लिए? ये अभी अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नई दिल्ली का एयरपोर्ट है, वहां पे स्टार्ट हुआ है, और सखा कैब्स नाम की कंपनी है, उन्होंने ये स्टार्ट करा है, सखा कैब्स। इसके अलावा एक चीज याद रखिए, जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहां पे अभी अभी डेयर नाम की सर्विस स्टार्ट हुई है। पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा है भारत में जिसने यूपीआई अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने वॉलेट में शुरू कर दिया है? यह है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो ने जो है ये शुरू कर दिया है यूपीआई पेमेंट फीचर अपने ऐप पर, रिलायंस जियो ने स्टार्ट किया है। इससे पहले आपको बता दूं कि पेटीएम, गूगल पे और फोन पे सिर्फ तीन ही कंपनियां हैं जिनपे यूपीआई एनेबल्ड था उनके वॉलेट पे, तो रिलायंस जियो चौथी कंपनी है जिसमें यह हुआ है। एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने लोन दिया है अभी अभी कौन से कंट्री को, $35.8 million का यह लोन मिला है अभी अभी सूरीनाम को, सूरीनाम। कौन से स्टेट का टूरिज्म प्रोजेक्ट है जिसको एमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन स्पेशल अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? ये है केरला, केरला का जो प्रोजेक्ट है टूरिज्म का उसे मिला है एमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन पुरस्कार। और अगर पूछें कि केरला में ये प्रोजेक्ट कहां पे हुआ था, ये हुआ था थ्रिसुर में, थ्रिसुर। तो कई बार और डीप में पूछ सकते हैं, तो थ्रिसुर में ये प्रोजेक्ट हुआ था। कौन सा स्टेट है जिसने अपना स्थापना दिवस मनाया, राजकीय दिवस, 25 जनवरी को? 25 जनवरी को होता है हिमाचल का स्टेटहुड डे, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल बना था राज्य, उससे पहले था यूनियन टेरिटरी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के हिसाब से हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी अगले साल जीडीपी कितना ग्रो करेगा? इनके हिसाब से हमारा जीडीपी 5.5% ग्रो करेगा। और अभी की अगर बात करूं फाइनेंशियल ईयर 20 की, तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से ग्रो करेगा 4.6। ब्रेक्सिट किस तारीख से लागू हो गया? ब्रिटेन का एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से, ये अप्लाई हो गया था 31 जनवरी 2020 से, 31 जनवरी इसको साइन किया बोरिस जॉनसन ने, उनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू करा है, 1 ट्रिलियन पौधे लगाए जाएंगे कब तक पूरी दुनिया में? ये लगाए जाएंगे 2030 तक, 1 ट्रिलियन ट्रीज। वीको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? वीको ने बनाया है आलिया भट्ट को, जिसमें वीको टूथपेस्ट, वीको क्रीम ये सब आते हैं। और एक कंपनी है ऑडियो ब्रांड, हेडफोन वगैरह बनाती है, बोट, बोट ने अपना श्रेयस अय्यर इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और किंगफिशर अल्ट्रा, इन्होंने अपना फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
एंकर इनोवेशन नाम की कंपनी है, इन्होंने सैना नेहवाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सैना नेहवाल अब राजनीति में आ गई है, इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा लॉरियाल, ये पेरिस का ब्यूटी ब्रांड है, इन्होंने तीन एक्ट्रेस हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक तो है मिथाली राज, ये क्रिकेट खिलाड़ी थी, और दो एक्ट्रेस हैं अदिति राव हैदरी और शक्ति मोहन। हार्दिक पांड्या, ये एनर्जी ड्रिंक है जिसका नाम है मॉन्स्टर एनर्जी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हार्दिक पांड्या। कौन से कंट्री ने सबसे छोटा गोल्ड कॉइन मिंट किया है? सबसे छोटा गोल्ड कॉइन अभी अभी मिंट किया है स्विट्जरलैंड ने, इसका वेट है 0.063 ग्राम। और पद्म अवार्ड अभी अभी दिए गए, तो आपको बस ये याद रखना है कितने पद्म अवार्ड दिए गए। 7 दिए गए पद्म विभूषण, 16 दिए गए पद्म भूषण और 118 दिए गए पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है 4 लोगों को मिला है मृत्योपरांत यानी आफ्टर डेथ, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और स्वामी जी थे पेजावर मठ के विश्वेश तीर्थ स्वामी जी। इसके अलावा एक फॉरनर है जिसे मिला है, मॉरिशियस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ, उनके फादर अनिरुद्ध जगन्नाथ। मैरी कॉम एकमात्र स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, मणिपुर की हैं, बॉक्सर हैं। और चन्नू लाल मिश्रा कलाकार हैं यूपी से। पद्म भूषण 16 लोगों को मिला है टोटल, और इनमें सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स पर्सन है, वो है पीवी सिंधु। मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल कहां बन रहा है? ये भोपाल में बन रहा है, जहां पे पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। और मध्य प्रदेश में भोपाल एयरपोर्ट है, राजा भोज एयरपोर्ट, और यहां की मेट्रो का नाम भी है भोज मेट्रो। कोबे ब्रायंट खिलाड़ी, इनकी डेथ हो गई, ये कौन सा खेल खेलते थे? ये बास्केटबॉल खेलते थे। इनकी टीम का नाम था लॉस एंजलिस लेकर्स, और कोबे ब्रायंट जो है इनको ब्लैक मांबा बुलाते थे, इनका पेट नेम था ब्लैक मांबा। भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक अभी अभी लोन दे रहा है 21 करोड़ अमरीकी डॉलर का, 210 मिलियन डॉलर्स। ये कौन से राज्य के एग्री बिजनेस और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए दे रहा है? तो ये प्रोजेक्ट जो है ये है महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र। अभी अभी किसने बुक लिखी है बलवा? ये हमारे मंत्री हैं, माइनॉरिटी अफेयर मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने बुक लिखी है ये बलवा। और एक बुक लिखी है पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार ने, कांग्रेस पार्टी के हैं, इस बुक का नाम है ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पज इन परपेचुइटी, ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पज इन परपेचुइटी। एक बुक योगा के ऊपर लिखी है, योगा 21 जून को होता है, योगा डे, द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड, इसको लिखा है एलिस्टर शेरर ने, द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड। कौन सी टीम है जो पहली टीम बनी है वर्ल्ड में जिसने 500,000 रन बनाए हैं टेस्ट मैचेस में? यह टीम है इंग्लैंड, इंग्लैंड पहली टीम है जिसने 500,000 रन बनाए हैं, इंग्लैंड। कौन सा प्लांट है, प्लांट मतलब यहां पे स्टील प्लांट या पावर प्लांट, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अवार्ड मिला है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लाइट हाउस नेटवर्क में इंक्लूड किया गया इसे? यह है टाटा स्टील कलिंग नगर ओडिशा। गुल मकई फिल्म बनी है, यह किसके जीवन पर बनी है? गुल मकई फिल्म मलाला यूसुफ जाई के जीवन पर बनी है, ये पाकिस्तान की है, नोबेल पीस प्राइज विनर है। शिव भोजन स्कीम किस राज्य ने स्टार्ट करी है? शिव भोजन स्कीम में बहुत ही सस्ता भोजन मिलता है, 10 रुपए में थाली मिल जाती है, तो ये अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। शिवसेना पार्टी है रूलिंग, तो इसलिए इसका नाम शिव भोजन स्कीम है, वहां पे शिवसेना को समर्थन प्राप्त है इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, तो कोलिशन गवर्नमेंट है। कौन सा कंट्री है जो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर होगा? गेस्ट ऑफ ऑनर होगा फ्रांस 2022 में, और 2022 में G20 समिट इंडिया में होगा। अभी अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? ये बने हैं सुनील मेहता, पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और वीजी करण को रिप्लेस किया इन्होंने, तो आंसर है इसका सुनील मेहता। सुनील मेहता कमेटी भी बनी थी जिसने प्रोजेक्ट सशक्त एक शुरू किया था। कौन से भारत का जो टेबलो है राज्य का जो फर्स्ट प्राइज मिला है, यानी बेस्ट टेबलो डिक्लेयर किया गया रिपब्लिक डे पर, बेस्ट टेबलो था असम का, असम का टेबलो नंबर 1 था, और ओडिशा और यूपी का नंबर 2 था। इसके अलावा अगर हम मंत्रालयों की बात करें या विभाग की बात करें, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज की, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इनका बेस्ट डिक्लेयर किया गया है अमंग मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। ऑक्सफर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा रहा? ऑक्सफर्ड का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अभी कौन सा स्टेट है जिसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया है अभी अभी? आंध्र प्रदेश ने।
और आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल बनी है अभी अभी, कुरनूल और विशाखापट्टनम और अमरावती। कुरनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती तीन तीन कैपिटल बनी है आंध्र प्रदेश की। ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ? ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव हुआ गांधीनगर गुजरात में। तो आंसर है गांधीनगर गुजरात। और आपको बता दूं गुजरात में सुरेंद्र नगर में अभी अभी एक सिल्क प्रोसेसिंग सेंटर बना है पटोला साड़ी को प्रमोट करने के लिए गुजरात में, ये आपको याद रखना है। और गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, इसको एक नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? यह है शिमला में। कौन सा टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवेज यूज कर रहा है? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा है अभी अभी भुवनेश्वर में, यह इंडियन रेलवेज का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी। इंडियन रेलवेज पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा कौन से साल तक? यह साल है 2024 तक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा इंडियन रेलवेज का। अभी अभी IUPAC में ब्यूरो मेंबर एक इंडियन बना है, वो कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनका नाम है बिपुल बिहारी साहा। हमारा जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का, इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है अभी अभी जिससे रोड प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जा सकता है? इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है गति की मदद से रोड प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो पाएगी। हमारे मंत्री हैं इसके लिए नितिन गडकरी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। फ्रांस की तरफ से शेवेलिए यानी नाइट जो अवार्ड होता है, ये बहुत बड़ा एक सिविलियन अवार्ड है, ये किसे मिला है? शेवेलिए या नाइट अवार्ड ये मिला है अभी अभी संजना कपूर को। ये शशि कपूर की बेटी हैं संजना कपूर, इन्हें थिएटर के लिए मिला है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल पास हो गया है। पहले जो एज थी प्रेगनेंसी की वो अप्रूव्ड थी सिर्फ 20 हफ्ते तक, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? अब कर दिया गया है 24 हफ्ते, 24 वीक्स कर दिया गया। इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है मादागास्कर में? मादागास्कर में साइक्लोन आया है, उससे बचाने के लिए मादागास्कर को काफी वहां पे तबाही हुई है, तो ऑपरेशन है वनीला। मादागास्कर की कैपिटल है अंताना नारीवो, और जो साइक्लोन आया था यहां पे उसका नाम है डीएन, और जो भारत ने शिप भेजा है उसका नाम है एरावत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ असम, इन्होंने एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, थ्री पार्टी एग्रीमेंट, कौन से ट्राइबल ग्रुप के साथ? तो इंडियन गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, इन्होंने बोडो ट्राइबल ग्रुप के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, पीस डील साइन करी है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ, NDFB के साथ। भुवन पंचायत अभी अभी किसने शुरू करी है जिससे बेटर प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जा सकती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की? भुवन पंचायत अभी अभी इसरो ने ऑर्गेनाइज की थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया है चेलाकेरे में, चेलाकेरे है चित्रदुर्ग में, चित्रदुर्ग है कर्नाटका में। और इसरो ने अपना रीजनल एकेडमिक सेंटर बनाया है अपना अपना, ये चौथा है इनका इंडिया में, चौथा सेंटर है रीजनल एकेडमिक सेंटर, और ये बना है NIT सूरतकल कर्नाटका में, NIT सूरतकल। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीता है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन दे दी है इंडिया में, तो कौन सा स्पीशी है चीता का जो इंट्रोड्यूस होगा? ये चीता है अफ्रीकन चीता, ये इंडिया में आएगा नामीबिया से, और ये रखा जाएगा या तो मध्य प्रदेश के नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या बलपुर कुनो नेशनल पार्क में। INS काबराती ये जहाज कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये अभी अभी इंडियन नेवी को मिला है, इंडियन नेवल शिप INS काबराती ये बनाया है अभी अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने, GRSE। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ये पहली कंपनी है जिसने 100 जहाज बनाए हैं इंडियन नेवी के लिए, और काबराती राजधानी है लक्षद्वीप की। भारत का पहला सुपर फैब लैब कहां बना है? हार्डवेयर के लिए बना है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, ये कोची में बना है केरला में। तो आंसर है केरला। और कोची जो है यहां पे अपहरण एक्सरसाइज भी हुआ था अभी अभी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का, और कोची से लेके मालदीव्स तक एक फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है। रिलेंटलेस ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? रिलेंटलेस बुक लिखी है भारत के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में ये मंत्री थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से कौन सा कंट्री है जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स प्रोड्यूसर बन गया है? नंबर वन पे है अमेरिका और नंबर दो पे अब चाइना आ गया है। अमेरिका की कंपनी याद रखिए बोइंग जो मेन कंपनी है, यहाँ पे बोइंग है और एक और है लॉकहीड मार्टिन। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जो आर्म्स बनाती है? लॉकहीड मार्टिन। और रशिया से आगे निकल गया है चाइना, रशिया की कंपनी है अल्माज आंटे।
ANTEY, एलमाज अंटे। बॉम्बे शेविंग कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने कार्तिक आर्यन जो फेमस एक्टर हैं, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन सी कंपनी है जिसने भारतीय कोस्ट गार्ड को इंडियन तटरक्षक को एक नाव दी है? C-448, ये हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट है। ये बोट बनाई है लार्सन एंड टूब्रो ने, लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन। भारत में कितने रामसर साइट नए ऐड किए गए? अभी अभी 10 रामसर साइट बने हैं, और तो 27 थे पहले, अब 10 बन गए हैं, तो टोटल हो गए 37। ये जो 10 हैं, इनमें से एक मिला है महाराष्ट्र को, जो इनका पहला है महाराष्ट्र का, 3 मिले हैं पंजाब को, 6 मिले हैं यूपी को, और रामसर सिटी जो है वो ईरान में है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है। तो ये है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है नंदुर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी। ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि महाराष्ट्र का पहला रामसर साइट है। पंजाब में 3 पहले थे, हरिके, रोपड़ और कंजली, और अब पंजाब को 3 और मिल गए, और यूपी को 6 और मिल गए हैं। यूपी में पहले सिर्फ एक ही था, तो अब 6 और हो गए, तो यूपी के पास हो गए हैं 7 रामसर साइट। जितने भी भारत में आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें नंबर 1 कौन रहा डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग की दिसंबर के लिए? ये है चंदौली। चंदौली है यूपी में, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया चंदौली ने अमंग बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो पहले नंबर पे रहा ये, दूसरे पे रहा बलंगीर जो कि ओडिशा में है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये किसने ऑर्गेनाइज किया था इस साल 2020 में? ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिया हैबिटेट सेंटर, तो आंसर है इंडिया। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था टुवर्ड्स 2030, मेकिंग द डेकेड काउंट, मेकिंग द डेकेड काउंट। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, इनकी डेडलाइन है 2030। असम राइफल, इन्होंने एक वॉर मेमोरियल बनाया है, कहां पे बनाया है? इन्होंने बनाया है ये मोकोकचुंग में, और मोकोकचुंग है नागालैंड में, तो आंसर है नागालैंड। बीपीआरडी के मुताबिक भारत में जितने भी पुलिस है उनमें वुमेन कितनी है? तो इंडिया में जो पुलिस है उनका सिर्फ 9% यानी 8.98%, रफली 9% सिर्फ वुमेन है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहां पे बना है? ये बना है अभी अभी हैदराबाद में, हैदराबाद में बना है रामचंद्र मिशन, ये संस्था है जिन्होंने बनाया है रामचंद्र मिशन। इनकी 75th एनिवर्सरी थी अभी अभी, इस उपलक्ष में ये खुला है। बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? ये एक इंडियन ने जीता है, इनका नाम है SO Elbain, SO Elbain। दो खिलाड़ी और याद रखिए साइकिलिंग के, एक तो है डेबोरा हेरोल्ड और एक है रोनाल्डो सिंह। पहली इंडियन वुमेन कौन है जो एक विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए प्रोफेशनली फुटबॉल खेलेंगी? इन्होंने स्कॉटलैंड का फुटबॉल क्लब है रेंजर्स, उसके लिए साइन किया है, इनका नाम है बाला देवी, बाला देवी। अभी अभी किस राज्य में नागोबा यात्रा फेस्टिवल हुआ? नागोबा यात्रा फेस्टिवल हुआ आदिलाबाद में, आदिलाबाद है तेलंगाना में, तो आंसर है तेलंगाना। और एक होती है इंद्र यात्रा, इंद्र यात्रा कहाँ होती है? नेपाल, इंद्र यात्रा। और बाली यात्रा, धनु यात्रा, ये सब होती है ओडिशा में, तो आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में एक त्यौहार और होता है बतुकम्मा। कौन सा सिटी है जहां पे भारत का पहला वॉक थ्रू एवियरी, यानी कि आप यहां पे चलते चलते पक्षियों को देख सकते हैं, इस तरह का एवियरी बना है? ये बना है वीर माता जीजाबाई भोंसले उद्यान और चिड़ियाघर में, तो ये चिड़ियाघर है मुंबई के बायकला में, इसको बायकला चिड़ियाघर भी बोलते हैं। इसरो ने कौन सा लेडी रोबोट बनाया है अभी अभी जो गगनयान मिशन में जाएगा? इसका नाम है व्योम मित्र, व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष, मित्र मतलब दोस्त। कौन सा स्टेट है जिसने स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग को टॉप किया है? लास्ट ईयर टॉप किया था वेस्ट बंगाल ने, इस साल टॉप किया है गुजरात ने, यानी गुजरात में गवर्नेंस सबसे अच्छा है। ग्लोबल टैलेंट कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 132 कंट्रीज में 72, और इंडिया पिछले साल 80 नंबर पे था, इस साल 72 है। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, यह इंडेक्स दिया है इनसेड ने, जो कि एक बी स्कूल है फ्रांस में। नंबर 1 स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 है अमेरिका। एकाटेरिनी सकेलारो पोलो, ये कौन से कंट्री की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है? ये कंट्री है ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। कौन सा स्टेट है जहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए? खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में हुए, और जीते किसने? जीते महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र रहा नंबर 1, हरियाणा नंबर 2, दिल्ली नंबर 3। खेलो इंडिया गेम्स में जो टॉर्च बियरर थी वो थी हिमा दास, और ये गुवाहाटी में हुए थे। कौन सा कंट्री है जिसने एग्रीकल्चर एंड लीजिंग पॉलिसी शुरू करी है? पहला स्टेट है, इसमें सरकार किसानों को जमीन देगी और उस जमीन पे किसान खेती करेंगे और किसानों को मुआवजा मिलेगा।
यह शुरू करा है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के कोट द्वार में पहला मुस्लिम योगा कैंप भी लगा था। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। भारत ने अपनी एक तोप बनाई है खुद की, आर्टिलरी गन, यह इंडियन आर्मी को दी जाएगी 31 मार्च को। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शरंग। इसका नाम रखा गया है शरंग। ये गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, वो बनाएगा इसे शरंग को। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसे मिला है? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया अभी हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। वॉशिंगटन एप्पल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? वॉशिंगटन एप्पल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पटानी। पहली महिला थर्ड एम्पायर कौन बनी है पुरुषों के मैचेस में? इनका नाम है जैकलिन विलियम्स और ये है वेस्ट इंडीज की। इससे पहले जीएस लक्ष्मी पहली रेफरी बनी थी जो मेंस के मैचेस में थी, और क्लेयर पोलोसैक पहली एम्पायर थी पुरुषों के मैचेस में। अभी कौन से मोबाइल ऐप हैं जिन्हें ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस? ये मिला है दो ऐप को, सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन। सी विजिल है आचार संहिता का उल्लंघन यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिपोर्ट करने के लिए, उसका वायलेशन रिपोर्ट करने के लिए, और वोटर हेल्पलाइन ऐप है वोटर वेरिफिकेशन के लिए। कौन सा कंट्री है जो पार्टनर कंट्री होगा सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला जो फरीदाबाद में लगा है? तो पार्टनर कंट्री है उज्बेकिस्तान और इसमें थीम स्टेट है हिमाचल प्रदेश। कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जो अमोघ वर्षा और कल्याण वर्मा ने बनाई है, जो पहली डॉक्यूमेंट्री है जो इंडिया में सिनेमाज में रिलीज हुई है? यह है वाइल्ड कर्नाटका। सो ये था हमारा पार्ट 4 300 बेस्ट एमसीक्यूज का। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर फरवरी के करंट अफेयर्स में। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।